हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा फैशन डिज़ाइनर। आज हम आपके लिए बैक नेक का बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन लेकर आए हैं। ये देखिए, हमने ब्लाउज को कट कर लिया है। ये हमने 5 इंच आर्म होल रखा है और हमें नेक को पूरी तरीके से कट कर देना है नीचे तक। ये देखिए, 2.25 इंच हमने नेक की चौड़ाई ली है और यहाँ नीचे हम 2.5 इंच पर रखेंगे। थोड़ा सा ऊपर आकर हम इसे बढ़ा लेंगे। आप इसे अपने अकॉर्डिंग बढ़ाएं, जितना आपको चाहिए उतना आप बढ़ा सकते हैं। मैंने इसे 4 इंच लिया है। अब हम इसको एक सीधी लाइन से मिला लेंगे इस तरीके से। और यहाँ हमने जो एक्स्ट्रा वाला निशान लगाया था वहाँ से हम इसको डिज़ाइन का शेप दे देंगे। अब हमें इसी मार्क के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, हमें बिल्कुल इसी निशान के ऊपर से कटिंग करनी है। देखिए, इस तरीके से हम इसको कट करके दोनों पार्ट अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने डिज़ाइन को कट कर दिया है और ये हमारे बैक साइड के दोनों पार्ट अलग अलग हो चुके हैं। अब हम इनको अपने मेन फैब्रिक पर रखकर स्टिचिंग लगाएंगे। देखिए, इसे हमें कैसे रखना है। इस तरीके से हमें अपने मेन कपड़े पर इन अस्तर को बिछा लेना है सीधे साइड से और उसमें हम स्टिचिंग लगा लेंगे नेक के किनारे किनारे पर। हमें दोनों साइड से स्टिचिंग लगा लेना है, उसके बाद में इनको कट कर लेना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये देखिए, इस तरीके से हमें साइड पर स्टिचिंग लगाकर कट कर लेना है। अब हम इसमें छोटे छोटे से कट लगाकर इनको पलट लेंगे और पलटने के बाद सीधे साइड से भी एक स्टिचिंग लगा देंगे और इस पर बिल्कुल किनारे से नेक पर लेस लगा लेंगे। ये हमारा ब्लाउज बहुत ही सुंदर बनेगा, बिल्कुल यूनिक टाइप डिज़ाइन है। ये देखिए, इसी तरीके से हमें इसमें स्टिचिंग लगाना है बिल्कुल साइड से। ये हम दोनों पल्लों पर लगा लेंगे। ये देखिए, अब हम इस पर भी स्टिचिंग किनारे साइड से लगा लेंगे। ये देखिए, हमने स्टिचिंग लगाकर इसमें लेस लगा ली है। अब हम इसमें डिज़ाइन के लिए पट्टियाँ कट करेंगे। हमें 4 पट्टी कट करनी है। ये देखिए, हमने 4 बार फोल्ड कर लिया है, 4 लेयर है ये। हम एक बार और मोड़ेंगे। ये देखिए, अब हमारे डिज़ाइन की सारी पट्टियाँ इसी में निकल आएंगी। इसको हम इस तरीके से ट्रायंगल शेप में हम निशान लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, निशान के ऊपर से हमें इसे कट कर लेना है। ये ट्रायंगल हमने 5 इंच पर बनाया है। ये देखिए, हमने इसमें 8 पट्टियाँ कट की हैं, जिससे हमारी 4 कलियाँ निकलेंगी। हमें डबल डबल पट्टी को रखकर स्टिचिंग लगानी है। ये देखिए, हमने ये 8 पट्टियाँ कट कर ली हैं। ये देखिए, हमें उल्टे साइड से रखना है, सीधा साइड अंदर हो और हमारा रॉन्ग साइड बाहर हो। हमें इन टुकड़ों पर स्टिचिंग चौड़े साइड से पतले साइड की तरफ लगाना है और ऊपर का साइड हमें खुला रख देना है, जिससे इन्हें पलटने में हमें आसानी हो। ये देखिए, ये हमने एक टुकड़ा कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, हमने 5 इंच का काटा था, इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे। इसमें हम कुछ अंदर से इस तरीके से कोने को निकाल लेंगे,
बाकी की पट्टियों को भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने डिज़ाइन बनाने के लिए इन टुकड़ों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इन टुकड़ों को एक दूसरे में अटैच कर लेंगे। चौड़ा वाला भाग हमें बाहर की तरफ रखना है और पतले वाले भाग को हम एक दूसरे पर रखकर जॉइंट कर लेंगे। दो दो पट्टियां हम एक डिज़ाइन में अटैच करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से नीडल और धागे की मदद से हमने एक पट्टी जोड़ ली है। अब इसी से हम दूसरी पट्टी भी जोड़ लेंगे। ये देखिए, इसके बाद में हम इसमें डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए सेंटर पर कोई भी डिज़ाइनर बटन या फ्लावर लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इन्हें हम सबसे पहले ब्लाउज़ में अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इसमें कच्ची सिलाई लगाकर डिज़ाइन को सिक्योर कर लेंगे, जिससे सिलने में हमें कोई दिक्कत ना हो। हमें बिल्कुल शर्ट करते हुए कच्ची सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। इधर उधर पट्टियाँ ना भागें, बिल्कुल बराबर रहनी चाहिए। ये बिल्कुल शर्ट होने के बाद में हम इसमें स्टिचिंग लगाकर इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। इसको और अच्छा लुक देने के लिए ये देखिए, मैंने फ्लावर लिए हैं, फ्लावर पर मैंने मोतियाँ लगा ली हैं और ये मैंने एक मोती की माला बना ली है। इसको भी हम इसी ब्लाउज में अटैच कर लेंगे, जिससे इस ब्लाउज का लुक और भी अच्छा आएगा। अब इन फ्लावर्स को हम बिल्कुल सेंटर पर, जहाँ हमने दोनों पट्टियों को जोड़ा था, वहीं पर इसे भी हम अटैच कर लेंगे दोनों फ्लावर्स को। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। ये देखिए, ये हमारा एक फ्लावर अटैच हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरा वाला फ्लावर भी अटैच करेंगे और बीच में जो ये हमने मोतियों की लड़ी बनाई है, इसको हम बिल्कुल सेंटर में रख देंगे दोनों डिज़ाइन के बीच में। देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है इसका, बिल्कुल पार्टी वेयर ब्लाउज बन रहा है। ये देखिए, हमने इन फ्लावर्स पर भी मोतियाँ लगाई हैं और ये हमने मोती की माला भी लगा ली है। देखिए कितना सुंदर ब्लाउज बनकर तैयार हुआ है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।